हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास वन, माईसेल्फ प्रदीप सर प्रेजेंट द मैथमेटिक्स क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ के क्लास में पढ़ने वाले हैं कंपेयर द नंबर, कंपेयर द नंबर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले काउंट द पिक्चर, पिक्चर को काउंट करेंगे एंड राइट द नंबर्स, और नंबर को लिखेंगे, देन कंपेयर एंड पुट द सिंबल। सिंबल आपको याद है ना, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू। तीन सिंबल मैंने बताया था, बड़ा है, क्या है, बड़ा है, फिर क्या बताया था, छोटा है, और क्या बताया था, बराबर है। ठीक है, तो ये आपको ये काम करने हैं। ठीक है बस स्टूडेंट्स, तो कौन कौन सिंबल डालने हैं, आवश्यकता जहाँ होगी तो ग्रेटर देन सिंबल, जहाँ आवश्यकता होगी लेस देन सिंबल, जहाँ आवश्यकता होगी इक्वल सिंबल डालने हैं। चलिए तो हम लोग काउंट करते हैं पिक्चर को। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो 13 कप्स हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 13, क्या लिख देंगे 13। अब यहाँ कप गिनिए, यहाँ कितने कप्स हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। यहाँ 16 कप है, तो 16 लिख दिया हमने। ठीक है बच्चों, अब बताओ 13 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 13 बड़ा है कि 16 बड़ा है, 16 बड़ा है, 13 छोटा है, तो छोटा है के लिए स्मॉलर का साइन है, तो यहाँ पर लिख देंगे कि 13 इज स्मॉलर देन 16। तो बच्चों समझ गए आप लोग, पहले काउंट करना है, काउंट करके इधर का काउंट करके इस बॉक्स में, इधर का काउंट करके इस बॉक्स में, और जो जैसा होगा, छोटा होगा तो छोटा का साइन, बड़ा होगा तो बड़ा का साइन हमको लगा देना है। तो आप सीख गए बच्चों, इस प्रकार से आप क्या करोगे, आप इस क्वेश्चन को बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, इस क्वेश्चन को बनाओगे, यानी पेज नंबर 9 बनाओगे। ठीक है बच्चों, अब आइए पेज नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। पेज नंबर 10 में क्या करना है, तो कह रहा है कि रीअरेंज द नंबर्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। अब असेंडिंग का मतलब पहले क्या होता है, असेंडिंग समझो, असेंडिंग में क्या होता है, छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, फिर सबसे बड़ा, ये हो गया असेंडिंग। क्या हो गया मेरा, असेंडिंग हो गया, यह मेरा क्या हो गया, असेंडिंग हो गया। फिर से देखो असेंडिंग में क्या करना पड़ता है, हम असेंडिंग समझा रहे हैं, असेंडिंग, असेंडिंग में पहले छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा नंबर, ठीक है, फिर उससे बड़ा नंबर, ऐसे बड़ा होता जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा, बढ़ता चला जाए, जब बढ़ता चला जाएगा तो असेंडिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, छोटा नंबर से बड़ा नंबर की ओर, असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, और डिसेंडिंग में क्या होगा बच्चों, डिसेंडिंग में उल्टा होगा, क्या होगा, बड़ा से छोटा की ओर होगा, सबसे पहले बड़ा लिखेंगे, फिर उससे छोटा 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 लिखेंगे, फिर सबसे छोटा लिखेंगे, तो नीचे की ओर उतरेगा, बड़ा से छोटा की ओर, तो यह हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है बच्चों, ये समझ गए, तो हम लोग चलिए अब शुरू करते हैं बनाना। तो पहला हमारा है असेंडिंग ऑर्डर, पहला क्या है हमारा, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटा से बड़ा, तो आपका काम बनता है कि इसमें सबसे छोटा खोजना है, यहाँ 6 है, 20 है, 25, 18, 8, 3, 11, 32, सबसे छोटा कौन है, यस 3, तो 3 को हमने यहाँ घेरा और यहाँ हमने लिख दिया 3, 3 से छोटा बड़ा कौन हो गया, दूसरा घेरा 6, यहाँ हमने लिख दिया 6, अब 6 से बड़ा कौन है, 8, तो यहाँ हमने लिख दिया 8,
अब एट से बड़ा कौन है, एट से बड़ा इसमें इलेवन है, तो यहाँ लिख दिया इलेवन। अब इलेवन से बड़ा कौन है, इसमें इलेवन से बड़ा एटीन है, तो हमने यहाँ लिख दिया एटीन। अब एटीन से बड़ा कौन है, तो ट्वेंटी है, तो यहाँ हमने लिख दिया ट्वेंटी। ट्वेंटी से बड़ा कौन है, तो ट्वेंटी फाइव, तो ट्वेंटी फाइव को घेरा और यहाँ लिख दिया ट्वेंटी फाइव। और सबसे बड़ा कौन है, थर्टी टू, तो यहाँ लिख दिया थर्टी टू। तो आप देख रहे हो ना, छोटा सा शुरू किया, अब बड़ा होता जा रहा है, क्या होता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। तो ये हमारा हो गया असेंडिंग ऑर्डर। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में उल्टा करेंगे, क्या करेंगे, उल्टा, बड़ा से छोटा। तो सबसे बड़ा कौन है मेरा, तो थर्टी टू, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग थर्टी टू। उससे बड़ा, उससे छोटा कौन हो गया था, तो ट्वेंटी फाइव, तो यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी फाइव। उससे छोटा कौन हुआ था, ट्वेंटी, यहाँ लिखेंगे ट्वेंटी, यानी इसका उल्टा हो जाएगा। ट्वेंटी से कौन है, एटीन, यहाँ हो जाएगा एटीन। फिर कौन है एटीन से, तो इलेवन, ये इलेवन वाला, तो ये हो गया इलेवन। इलेवन बड़ा है किससे भाई, तो इलेवन बड़ा है एट से, तो यहाँ लिखेंगे एट। एट बड़ा है किससे, तो सिक्स से, तो यहाँ लिख दिया सिक्स। और सबसे छोटा वाला कौन था, ये थ्री वाला, यहाँ लिख दिया थ्री। इस प्रकार से एसेंडिंग ऑर्डर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। तो बच्चों, आप एसेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी बना लेंगे, किताब में बनाएंगे, किताब में बनाने के बाद आप कॉपी में भी बनाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ भी दिया हुआ है, इन इन नंबरों में से पहले पढ़ेंगे, पहले छोटा से बड़ा करेंगे, छोटा से बड़ा, और फिर बड़ा से छोटा करेंगे, ठीक है बच्चों। तो ये इसको करना है। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ डे थर्ड का। तो चलिए होमवर्क लीजिए थर्ड डे का, एच डब्ल्यू डे थर्ड। सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैथ्स है। क्या करना है, डू पेज नंबर नाइन एंड टेन इन द कॉपी। कॉपी में बनाएंगे, कॉपी में बनाकर जब सीख लेंगे तो हम लोग इसको क्या करेंगे, इन दोनों पेज को, जिनके पास किताब आ गई है वो किस में भी सेट करेंगे, तो सेट इन द बुक। वे बच्चे बुक में भी सेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो डेट थर्ड में क्लास वन के बच्चों को पेज नंबर नाइन और पेज नंबर टेन बनाना है। कौन कौन पेज बनाना है, नाइन पेज और टेन पेज। कहाँ बनाना है, पहले किताब में बनाना है और फिर कॉपी में बनाना है। जिन बच्चों ने अभी तक किताब नहीं खरीदा है, उनके मम्मी पापा लॉकडाउन है इसलिए सुबह 6 से 9 बजे के बीच में स्कूल काउंटर में आकर के किताबें ले सकते हैं, ठीक है बच्चों। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं डे फोर में, तब तक के लिए गुड बाय।